क्या वो इतना गुस्सा में क्या रहते हो हमेशा आप? देखिएगा हाँ मेरे ही आएगा। हाँ अरे 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 तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज का ब्लॉग डायरेक्ट शिवानी के घर तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं और मेरे साथ शिवानी है, देखिए इधर घूम रही है पगली जैसे। तो ये रही मेरी गाड़ी। मेरे साथ दो बहन लोग हैं, वो लोग जुड़ेगी और शिवानी है और एक उसका दोस्त है मेरी बहन का। तो हम लोग सबको निकलेंगे पहाड़ भांगा की तरफ घूमने के लिए और आज संडे है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो लोग का वेट करें, कुछ ही देर में आएगी तो फिर निकलते हैं हम लोग। आगे चल के आप लोग से मिलते हैं। क्या बोले? हाँ नहीं आया अभी, वो लोग इधर से आएंगे तो फिर निकलेंगे हम लोग साथ में। वेट कर रहे उसी का। क्या वो इतना गुस्सा में क्या रहते हो हमेशा आप? हाँ जब देखो गुस्से ही में रहते हैं। उधर कहाँ बस निकलते हैं अब हम लोग। मेरी बहन लोग आ गई और वो लोग आगे आगे निकल गए हैं, तो चलते हैं आप आगे चल के मिलते हैं उन लोग से। कहाँ है? हाँ हाँ पाँच तीस हजार। हाँ हाँ भैया, चैनल नेम आगे लिखा हुआ है। देखिएगा हाँ मेरे ही आएगा। हाँ A few moments later. फोटो डलवा लिए हैं, अब निकलते हैं सीधा हम लोग अपने लोकेशन की तरफ। पहाड़ भांगा जाने का इरादा है और अभी पिकनिक सीजन है तो वहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगा, तो वहाँ लड़की लोग भी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस आज बहुत लेट हो गया मेरी बहन लोग की वजह से, नहीं तो मैं काफ़ी जल्दी निकल जाता। तो फिर से हम लोग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और अभी दूसरी जगह में जाएंगे। उस टाइम दूसरा प्लेस गए थे और इस टाइम दूसरा प्लेस जा रहे हैं। आज बहुत भीड़ लग रहा है स्टेशन में, क्या बात है। क्या हुआ? A few moments later. तो मेरी एक बहन है जो अपने घर चल गई, शायद उसको ठीक नहीं लग रहा होगा इस वजह से चल गई। और अभी हम लोग चार जगह निकले हैं। और गाइस ये देखिए मेरे लेफ्ट में स्टेशन है और यहाँ से अभी हम लोग सीधा निकल रहे हैं, वही जादूगोड़ा तरफ निकल रहे हैं। तो यहाँ आगे स्टेशन के पास चेकिंग होता है, तो आगे चल के देख लेते हैं चेकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलते हैं यहाँ आराम से। तो आज काफ़ी भीड़ भाड़ दिख रहा है मेरे को स्टेशन तरफ। आज तो लग रहा है ब्लॉगिंग करने में मेरे को बहुत रुकावट आ रहा है, फिर भी नहीं बट ब्लॉगिंग करेंगे आज। हाईवे तरफ जाने में ना ज़्यादा अच्छा लगता है, हाईवे तरफ में मस्त खाली खाली रहता है रोड में। तो गाड़ी भगाओ मस्त आराम से, पहुँचो अपने लोकेशन पर और मस्त इन्जॉय करो। और इधर स्टेशन तक तो आते आते तक मेरा हालत ख़राब हो जाता है गाइस। वो बाप रे बाप, लोडिंग देख रहे हैं, ये अनसेफ है गाइस, अनसेफ। इतना लोड करके गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर। अरे बाप रे बाप, पॉल्यूशन फैला रहा है पूरा। चचा कब से पॉल्यूशन बनाए नहीं अपना। ओ भाई यहाँ रास्ता ख़राब है। तो गाइस आगे और एक चेकिंग मिलता है यहाँ, तो यहाँ भी चेकिंग चल रहा है। कहाँ जाना है चचा, ना इंडिकेटर ना कुछ। गाइस आप लोग कुछ सीखते हैं कि नहीं मेरे वीडियो से पता नहीं, बट मैं बहुत कुछ दिखाता हूँ। देखिए जैसे कि चचा इंडिकेटर दे के चला रहे हैं, ये सब ध्यान दीजिए। हाईवे में या रोड में कहीं भी हो आप लोग, अगर ये सब ध्यान नहीं दोगे ना तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है गाइस, बहुत बड़ा हादसा। साइड चलिए चचा,
भाई रोड में बात मत करो, गाड़ी चलाने में फोकस रखो। इतना जोर आवाज आ रहा है, अरे पापे देखो ऐसे रोड पार, देखो ऐसे रोड पार होंगे तो कहा जाएगा, तो क्या ही बोले फिर। ओ भाई यहाँ नोट गिन रहे हैं। गाइस हम लोग सुंदर नगर पहुंच गए हैं, अब हम लोग को यहाँ से लेना है लेफ्ट, जादूगोड़ा वाला रोड पकड़ना है। और जादूगोड़ा रोड तो आप लोगों को पता ही है कि कितना मस्त है, गाड़ी भागता है मस्त एकदम स्पीड में। तो चलते हैं जादूगोड़ा वाला रोड में, और इधर का व्यू चेक करिए गाइस, बहुत सही है। तो इधर थोड़ा ठंडा लग रहा है गाइस, क्योंकि दिन के टाइम भी इधर मौसम बहुत बढ़िया रहता है। गाइस इधर वाला रोड में ना, इधर भी किसी भी लोगों के सर में ना हेलमेट नहीं देखोगे, यहाँ बिना हेलमेट का गाड़ी चलाते हैं लोग। देखो इधर से और आगे से आ रहे, देखिए। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग अपने लोकेशन पर पहुँचने वाले हैं, जस्ट थोड़ा ही से दूरी में है। ओ भाई क्या हो गया, चाचा गाड़ी नहीं उठा पा रहे। अरे 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 क्या हो गया, अरे पूरा नशा में। रुक रुक रुक, गाड़ी साइड करने दे। भैया पूरा खून निकल रहा है आपका, जल्दी जाइए घर आराम से। आराम से जाइएगा, थोड़े आराम से जाइए, आराम से जाइए, आराम से जाइए भैया। जाएंगे भैया, किधर जाना आपको? ओ गाइस पूरा खून खून हो गया, इतना पी लिया है कि चलने नहीं सक रहा। क्या ही बोले गाइस, इतना पी लेते हैं कि चलने नहीं सक रहे, पूरा खून खून हो गया। देख रहे हैं यहाँ दारू का बोतल लेके आया था ऊपर से, पूरा गाड़ी उड़ी टूट गया। तो गाइस पूरा यहाँ अभी एक तो आदमी पूरा दारू पी के नहीं, पूरा नशा में था, यहाँ तक गाड़ी चलाने की हिम्मत में नहीं था, फिर भी वो गाड़ी चला के गया है और पूरा सर फट गया उसका। क्या ही बोले इतना डेंजर गाइस, अगर इतना पीने का हिम्मत नहीं होता ना तो मत पियो। और गाड़ी तो ड्रिंकिंग करके गाड़ी कभी गलती से मत चलाइए, क्योंकि बहुत ही डेंजर है। ड्रिंक करके तो कभी गाड़ी चलाना ही नहीं चाहिए गाइस, क्या ही बोले। किधर गया होगा बेचारा, और हेलमेट पहन के गाइस गाड़ी हमेशा चलाइए। पूरा भाई का सर फट गया, कितना डेंजर, क्या ही बोलेंगे, मतलब सुनने वाला कोई है नहीं। इसलिए हमेशा बोलते रहते कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, क्योंकि सर देखिए पूरा बॉडी को कंट्रोल करने वाला हमारा सर ही होता है। अगर ये हमारा सर ठीक रहेगा तो हम लोग पूरा शरीर का एक एक पार्ट काम करेगा, लेकिन क्या ही बोले। आए व्यू देख रहे हैं, हम लोग एक टाइम आए थे तो पूरा जगह खाली था, और अभी यहाँ पिकनिक के लिए पूरा भीड़, क्रेजी भीड़, क्रेजी। ओए 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 ओए, बैरिकेड लगा दिया यहाँ, काफ़ी अच्छा कर दिया डेंजर जोर बोल के। व्यू देख रहे हैं, ओफ। तो गाइस यहाँ का व्यू देखिए, यहाँ पिकनिक करने के लिए कितना मस्त जगह है। तो यहाँ सभी लोग आते हैं इधर, और यहाँ हम लोग आए थे एक टाइम तो उस टाइम ऐसा नहीं था, बट यहाँ अभी देखिए कितना मस्त कर दिया। मेरे साथ दो दो लड़की चल रही है, स्कूल से भगा के लेके आए दोनों को, और देखिए अभी गरम नाला पार कर रही है यहाँ से। छी ओ बाप रे बाप, ये पूरा नाला पार कर ली, अब मेरा पार ही है। अब हम लोग यहाँ थोड़ा शूट उट करते हैं, देखिए फोटो शूट कर लिए लड़की लोग।
व्यू चेक करिए गाइस। तो गाइस अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से, तो आगे का व्यू देखिए गाइस, पूरा डांस हो रहा भयंकर, सब नशों में बहुत जोर नाच रहा है। मुझको आना